हेलो बच्चों बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई थी, मैंने कहा आपको पास कर दूं और बताना जरूरी कि एग्जामिनेशन की जो डेट्स हैं वो आ गई हैं और आप लोग जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन अपडेट रहना भी उतना ही जरूरी है। तो मैं आपको कुछ बातें बताता हूं और न्यूज़पेपर में भी आया है, एनबीटी नव भारत टाइम्स में, और नव भारत टाइम्स की मैं कटिंग दिखाता हूं आपको, देन यू विल सी दैट कि क्या चीजें बोली गई हैं उसके अंदर। तो इस समय हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पे हैं और मैं नव भारत टाइम्स एनबीटी मैं ओपन कर लेता हूं। ये पुराना पेज खुला है, मैं आर्चीव में जाके नया आज का करता हूं मैं 6 नवंबर। ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया, नव भारत टाइम्स न्यूज़पेपर है और इसमें देखिए ये यहां पर मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा सीबीएसई। ये मैं क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद थोड़ा बड़ा हो गया है। ये देखिए यहां पर ये जो साइड में आ रहा है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना होगा, थोड़ा साइड में चला गया है। सीबीएसई 15 फरवरी 15 फरवरी से होंगी बोर्ड की परीक्षाएं। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा 2020 का संभावित शेड्यूल जारी किया है। इसके मुताबिक 12वीं के प्रैक्टिकल और 10वीं का प्रोजेक्ट व इंटरनल असेसमेंट 1 जनवरी से 7 फरवरी तक चलेगा। बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी के मार्च के अंतिम सप्ताह तक चलेगी और रिजल्ट 2 या 6 मई को आ सकता है। तो रिजल्ट की भी डेट आ गई 2 से 6 मई टेंटेटिव। और मैं दिखाता हूं कि आप सीबीएसई की वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो वहां भी आपको ये देखने को मिलेगा। मैं इसकी वेबसाइट ओपन करता हूं, ये सीबीएसई की वेबसाइट क्लिक की और ये ओपन हो गई है। इसमें देखिए यहां पर जो नोटिफिकेशन आए हैं वो मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए जो तीसरे नंबर पे दिख रहा है, कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ऐसे एक फोल्डर खुल जाएगा। ये देखिए एक पेज खुल गया है, थोड़ा सा मैं आपको दिखाने के लिए इसको बड़ा करने की कोशिश करूंगा। ये देखिए और यहाँ पर ये देखिए जो लाइन मेंशन की गई है कि जो थ्योरी एग्जामिनेशन है, बाकी बारी पूरी बातें आप पढ़ सकते हैं, ये जो थ्योरी एग्जामिनेशन है, ये देखिए ये थ्योरी एग्जामिनेशन 15 फरवरी 2020 से स्टार्ट होने के चांस है या नॉर्मली होंगे जैसा इन्होंने बताया है। और प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट जो आप इस बार काफी चीजों में चेंज है, तो जो प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के जो असेसमेंट के होने हैं और जो मार्क्स अपलोड होने हैं उसके लिए भी डेट्स दी है, जनवरी 1 से लेकर और 7 फरवरी तक। तो 1 जनवरी से 7 फरवरी के बीच में, मैं वापस आता हूं फुल स्क्रीन पर, तो जैसा बच्चों आपने देखा कि 1 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने हैं और साथ में उसकी अपलोडिंग होनी है तुरंत, जो मार्क्स आप सिक्योर करेंगे। साथ में जो इंटरनल असेसमेंट है या जो भी प्रोजेक्ट वर्क आपने किया हुआ है, उन सारे के भी मार्क्स अपलोड हो जाने चाहिए 7 फरवरी तक। और थ्योरी एग्जामिनेशन जिसके चांसेस बताए गए हैं या मोटे तौर पर लगभग तय है कि 15 फरवरी से स्टार्ट होंगे, और रिजल्ट आने का जो डेट्स बताई गई है 2 से लेकर 7 मई के आसपास रिजल्ट आने की बात कही जा रही है। नॉर्मली रिजल्ट्स कभी जल्दी भी आता है, कभी कभी 20 तारीख भी हो जाती है। अभी जो टेंटेटिव है 1 वीक ऑफ मई तक रिजल्ट आएगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, वैलिड थी, न्यूज़पेपर में थी और एक सर्कुलर इश्यू हुआ, तो मैंने कहा आपको ये बता दूं। बाकी आप जान ही रहे होंगे कि अब एग्जामिनेशन का टाइम शुरू हो गया है, तो समय बिल्कुल वेस्ट मत कीजिएगा, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने टाइम को बचा के सदुपयोग कीजिए। आप अच्छी मेहनत कर रहे होंगे, शानदार रिजल्ट आएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।